हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम मेरे चैनल पे। हम अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन को लेके चर्चा कर रहे हैं, सो आप भी जुड़ जाइए। आपके लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, तो आप हमारे चैनल पे सही जगह आप पहुँचे हैं। आप मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके की काफ़ी वीडियो मैंने डाल रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए आप पहले सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना, घंटी के दबाना ना भूलिएगा, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए नए नए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? दीपक मिश्रा। और दीपक मिश्रा किस कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? 45 पे। इसके पहले कौन थे? जे एस खेहर, वो कौन से नंबर के? 44 पे थे। ठीक है, जापान की मुद्रा कौन सी है? एन। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने। सन 2016 का या 18 का विश्व कप किसने जीता है? फ्रांस ने। सन 2015 का विश्व कप किसने जीता था? 16 का विश्व कप, 15 या 16 होगा, ये ब्राज़ील ने जीता था। ठीक है, 14 का, 14 का विश्व कप ब्राज़ील ने जीता था और 18 का फ्रांस ने जीता है, उरुग्वे को हरा के। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी कहाँ स्थित है? पूना के पास, खड़गवर में। ठीक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। डबल फ्रंट शब्द किस फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। ठीक है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। ठीक है, अभी भारतीय सेना थल सेना के अध्यक्ष सेना अध्यक्ष कौन है? बिपिन रावत। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुरी का। भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? केरल में। ठीक है, कोलकाता की किस नदी के किनारे कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? हुगली। ठीक है, पौधे में जीवन होता है किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? जगदीश बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित की गई थी? अहमदाबाद में। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46? ठीक है, संख्या में 46 है, आप 23 जोड़े कह सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? 8 अगस्त 1942 का। लई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य? मणिपुर का। भारत किस राज्य में रबड़ के सबसे अधिक उत्पादन? केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली। पौधे के जीवन होते हैं किस वैज्ञानिक? जगदीश बसु। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? 8 अगस्त 1942 को। थैंक्स फ्रेंड, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़।